अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। अच्छा जी, तो सब लोगों को बड़ी मुश्किल से उठना पड़ा होगा। आई नो कि थोड़ा मुश्किल फेज है। तो आप लोग की क्लासें रोजाना 9 बजे हो रही हैं सबकी, या आज उठना पड़ा आपको? सर 10 बजे होती है। अच्छा 10 बजे होती है, ठीक है जी। असल में मेरी थोड़ा ऑफिस टाइमिंग भी है, तो मुझे जाना भी था, तो मैंने कहा कि थोड़ा जल्दी रख लेते हैं, ठीक है। और जिनका आगे पीछे होगा वो रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिल जाएंगी उनको, ठीक है। अच्छा, मैं पहले अटेंडेंस ले लें, सारी बातें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको अटेंडेंस नजर आ रही होगी, ठीक है। तो मैं नाम ले रहा हूँ, साथ साथ मुझे जल्दी अटेंडेंस देते जाएं, और जिनकी रह जाएगी हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो फिर हमने काम भी करना है। मोहम्मद दीन, मोहम्मद फैजान रजा, मोहम्मद हमाद अरशद, सर प्रेजेंट, मोहम्मद हसन, प्रेजेंट सर, मोहम्मद खुमैर, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मुदस्सर जान, मोहम्मद मुराद खान, मोहम्मद नुशाद गुल, मोहम्मद रबीउद्दीन, मोहम्मद रजा अब्बास, मोहम्मद सलार हैं, मोहम्मद सवेद, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उजैर चौहान, मोहम्मद वकास, नवीद अहमद, प्रेजेंट सर, नवीद अहमद हैं, नेहा जैन, सर नवीद अहमद जी सर, नेहा जैन भी हैं, प्रेजेंट सर, अवेस अली, नूरुल ऐन, अवेस अली, रईस, रिदा, रुमेल नैयर, प्रेजेंट सर। नाम बताएं क्या है? रुमेल नैयर, रुकैया, प्रेजेंट सर,
प्रेजेंट सर। सफिया बानो, सफिया बानो, सैफुर रहमान, साइम अली, सायका अब्दुल हई, सलमान शाह, समरा सुलेमान अहमद, संदल खान, सरफराज खालिद, शहबाज रहमान, शमसा, हमजा महमूद, अवेस अहमद, शाहदेव, नुमान अली, शहजाद अली, विक्रम, जवार, मोइज महमूद, मुदस्सिर बशीर। अच्छा जी, बहुत कम स्टूडेंट ने इस वक्त अटेंडेंस लगवाई है, जितने स्टूडेंट की भी अटेंडेंस हो गई है ठीक है, इसको हम बाद में जो है जिनका रह जाएगा हम बाद में देखेंगे। अब मैं आपके लेक्चर की तरफ आ रहा हूँ, जो आपका आज का लेक्चर है। अच्छा जी, रिदा, रिदा की अटेंडेंस नहीं लगी है, मुझे मैसेज आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, मेरी भी मोहम्मद दीन सबसे पहले, मोहम्मद दीन भी आए। अच्छा जी, जिनकी रह गई है मैं लास्ट में मैं अटेंडेंस ले लूंगा, अभी अभी मुझे सुबह साथ साथ बहुत सारे लोग आएंगे तो मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। रिदा आपकी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ये लेक्चर 8 की स्क्रीन नजर आ रही है स्टूडेंट? यस सर। ओके सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा लेक्चर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपके एग्जाम मिड टर्म पे बाद में आता हूँ, ठीक है। कुछ लोग आ जाएं, स्टूडेंट आ जाएं, तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है सर? जी जी, मुझे कुछ पूछना। जी पूछे, प्लीज पूछे सर। वो जो आपने गूगल ड्राइव पर, आपने जो गूगल ड्राइव पर लिंक सेंड किया था, उसमें लेक्चर्स फाइल था सर, मुझे आगे के लेक्चर्स नहीं मिले सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह से, क्या कहा आपने सर? आपने जो गूगल ड्राइव का लिंक सेंड किया है जिसमें, जी जी, अच्छा मैं आपको, आप मुझे अगर मसला हो तो मुझे बताइएगा, शाम में बताइएगा, ठीक है। आज आप अफ्तार के बाद मुझसे रब्ता, आपको कौन कौन सा लेक्चर नहीं मिला सर? वो पिछली क्लास में नहीं, अच्छा पिछली 6 और 7 नहीं मिला। अच्छा मुझे आप बताइएगा जी, मैंने पिछली क्लास नहीं ली थी, मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया था, आपने कहा था वो देख लेना फिर मैं अटेंडेंस को। अच्छा, मैं आपको लेक्चर नहीं मिल रहे, मतलब उसमें लिंक्स ओपन नहीं हो रहा आपका सर? लिंक ओपन है, उसमें सिर्फ 5 पॉइंट तक है शायद, मुझे नहीं मिल रहे हैं, आपने सेंड नहीं किया। मैंने उसमें फिर मैं रात को चेक करता हूँ, मुझे आप आज ना अफ्तारी याद कराए, ठीक है, आज अफ्तार के बाद मुझे याद कराए तो मैं उसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, सही है जी। मैंने शायद यहाँ तो उसको अपडेट नहीं किया होगा, सही है, मैं देख लेता हूँ उसको, सही है। आज आप अफसारी के बाद मुझे याद करें, सही है। अच्छा जी स्टूडेंट, आगे चलते हैं, ये आज मैं उसको गूगल ड्राइव को मैं अपडेट कर देता हूँ, देख लेता हूँ उसमें कौन कौन से लेक्चर नहीं है, मैं आपको कर देता हूँ, सही है जी। अच्छा जी, हम जो हैं आज पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, और हमने उसी के ऊपर कल लास्ट टाइम बात की थी,
मैं उस पर बाद में रिव्यू भी लेता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था कुछ इंडस्ट्री सेक्टर्स को लास्ट टाइम पढ़ा था कुछ कुछ रिव्यू कराएंगे मुझे क्या इम्पोर्टेंस थी इसकी? कोई स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन करना चाहेगा? क्या पढ़ा था हमने? जी नहीं ओके फिनिश पढ़ी थी और फंक्शंस और पाकिस्तान के इंडस्ट्री जी जी अच्छा हमने क्या पढ़ा था इंडस्ट्री क्या होती है इंडस्ट्री किसे कहते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था इंडस्ट्री क्या चीज होती है जहां बहुत सारे एक जैसी फैक्ट्रियां हो वहां इंडस्ट्रीज जी एक ही जैसी प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रही हूं ठीक है ठीक है अच्छा चलिए उस पर हम फिर बात करते हैं मैं आपसे रिव्यू कराता हूं। अब आज का जो टॉपिक है हम थोड़े प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा मैं आज प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद रिव्यू की तरफ आता हूं और अपनी मिड टर्म पे बात करूंगा ठीक है। लोग आ जाएं लोग बहुत कम है इस वक्त लोग आ जाएं और सेशन में मैं मिड टर्म के ऊपर ज्यादा बात करूंगा कि मिड टर्म को किस तरह से कंडक्ट करना ठीक है। और अगर हुआ तो हम मिड टर्म के ऊपर एक मेकअप क्लास भी रख लेंगे परेशान ना होइएगा सही है। हो सकता है कि मैं मिड टर्म के ऊपर स्पेशल आपकी एक क्लास रख लूंगा और उस पर हम बात कर लेंगे। अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है इस पे हम बात करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री ठीक है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वो किसी भी कंट्री की जो मेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो वही होती है ठीक है। विदाउट हमने बात की थी लास्ट टाइम के किसी भी इंडस्ट्री के बगैर हम बूस्ट नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि मैंने बहुत सारे कंट्रीज की बात की थी और ख़ास तौर पर मैंने बात की थी कि अरब कंट्रीज की और या यूएई जो है आपका दुबई जो है उस पर भी मैंने बात की थी कि उसके पास इंडस्ट्री नहीं है। अब वो इंडस्ट्री की तरफ जा रहा क्यों जा रहा है क्योंकि उसको अब महसूस हुआ है कि विदाउट इंडस्ट्री मैं बहुत अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ ठीक है ना। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से इसको बात की थी। तो पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री ऑल्सो वॉन्ट्स टू अचीव हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स मैसेस It has therefore embarked upon various programs of industrialization. ठीक है तो पाकिस्तान इस काम के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। The policies of privatization, deregulations and liberalization of the economy are being pursued. तो हम इसको बात करते हैं थोड़े से आगे। ये वही बातें हैं इंडस्ट्री के हवाले से फिर मैं आगे मजीद इस पर जाता हूँ। अच्छा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ पार्टीशन पाकिस्तान गोट ओनली 34 यूनिट्स आउट ऑफ 928 रजिस्टर्ड यूनिट। देखिए जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को बहुत ही कम इंडस्ट्री मिली थी। वो कह रहा है कि 34 यूनिट्स मिले थे जो टोटल इंडिया में 928 रजिस्टर्ड थे यानी कि इंडिया टोटल इंडिया में जो मेन इंडस्ट्री थी वो दूसरी साइड पर चली गई थी या वहाँ शिफ्ट हो गई थी ठीक है। is trying hard to develop industries and infrastructure facilities see for the growth of industrial sector yet it has not achieved success to the desired extent in the last over 3 decades acha 3 decades ka matlab hota hai ki 30 years theek hai that contribution of industry sector to GDP is only 18.5% which by any standard is not satisfactory. यानी अगर किसी भी GDP में किसी भी कंट्री का इंडस्ट्री जो है वो अगर 18-20% या 25% कंट्रीब्यूशन कर रही है तो ये बहुत कम है क्योंकि मेन GDP में जो उसका रोल होता है वो इंडस्ट्री का होता है। और मैंने हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास जो मेन रोल है उसका वो एग्रीकल्चर का रोल मिल रहा है हमें ठीक है ना। एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जीडीपी में बहुत ज़्यादा रोल है जिसको ठीक है अच्छी बात है वो भी होना चाहिए। और हमने इस पर बात की थी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके ऊपर हमने ये भी कहा था कि हमें जैसे पाकिस्तान में फूड का हवाले से
जैसे कोरोना है या कोई ऐसी चीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, चीजें महंगी मिल रही हैं या कोई ऐसी शॉर्टेज है तो वो उसकी पीछे कोई मिसमैनेजमेंट हो सकती है। पाकिस्तान जो है सेल्फ सफिशिएंट है हर चीज में, जो भी बेसिक नीड्स है फूड की, तो मगर प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिकली जो जो ग्रोथ है या उसको इसकी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने इंडस्ट्री सेक्टर को हर पार्ट को बहुत बेहतर करना जरूरी है, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ये जो चीज है, ये जो एलिमेंट्स है, ये बहुत अहम है। अच्छा, अब इसके कॉजेस क्या हैं कि क्यों हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत पीछे रह गई है और या पीछे है, और इस और मामला क्या है, और जाहिर है कि जब तक हमें प्रॉब्लम किसी चीज़ का नहीं पता चलेंगे, ठीक है ना। आपने कहा सर स्टूडेंट नहीं आए हैं, तो मैं कहूँगी स्टूडेंट क्यों नहीं आए हैं? आपने कहा जी सर क्लास उनकी जल्दी हो रही है तो लोग सो रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम पता चलती है कि स्टूडेंट ने रोज़ा रखा है और लेट सोए हैं इसलिए वो उठ नहीं सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, जो जो लेट आएंगे उनकी अटेंडेंस मैं नेक्स्ट सेशन में ले लूँगा, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, कॉजेज हैं मैं सिर्फ अभी लिस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इन सबको डिस्क्राइब करता हूँ और आपकी भी साथ साथ पार्टिसिपेशन जो होगा वो मुझे चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा जी, लेक ऑफ कैपिटल, कैपिटल लेक ऑफ कैपिटल है, एनर्जी क्राइसिस है, साइज ऑफ मार्केट है, लेक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेक ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इनएडिकेट रिसर्च ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट है, डिक्रीज इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी है, पुअर क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। ये कॉजेज हैं और जरूरी नहीं है कि यही कॉजेज हों, ये एक नॉर्मल हम कॉज बात कर रहे हैं और बहुत सारे कॉजेज भी हो सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है वो रिसर्च करता है और मजीद चीज़ें भी फाइंड आउट करता है। जरूरी नहीं होता है कि जो आपके टीचर ने आपको बता दिया या आपके सामने कोई चीज़ आ गई वही होती है, नहीं, उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये ख्याल रखिए हमेशा से, हर सब्जेक्ट में ख्याल रखिएगा, हर सब्जेक्ट में रिसर्च हो रही होती है, नई नई चीज़ें आ रही होती हैं। अब इसमें देखें, फर्स्ट वन है लेक ऑफ कैपिटल, ठीक है जी, हम पढ़ेंगे लेक ऑफ कैपिटल। अच्छा, लेक ऑफ कैपिटल इज द मेजर हर्डल इन द वे ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द हैवी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अच्छा, मुझे बताएं कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल? सरमाया। देखिए, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जहर के उसमें हैवी इंडस्ट्री भी है, उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज भी हैं, ठीक है। हैवी इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि बड़ी इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे पैसे चाहिए। और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उसमें आमतौर पे लोगों ने घरों में भी इंडस्ट्रीज ओपन की होती हैं, या उससे थोड़ी बड़ी भी हो सकती हैं और हैवी भी हो सकती हैं, मगर ये कि हर लेवल पे जितनी भी इंडस्ट्रीज है पैसा चाहिए। तो अगर पैसा नहीं है और हम कोई काम कर सकते हैं तो एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है ना, आज आप लोग सब लोग जॉब क्यों करते हैं, हम अपना बिजनेस नहीं कर पाते हैं इसलिए कि पैसा नहीं है। जिस कारोबार के लिए, जिस इंडस्ट्री के लिए जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, अगर उस पर वो अमाउंट हम रख के वो काम नहीं करेंगे तो जाहिर है कि उसकी प्रॉपर जो नीड्स हैं उसके एसेट्स की, ठीक है ना, उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसके एसेट्स की वो पूरी नहीं होंगी। तो वो जब आपकी एसेट्स की पूरी नहीं होंगी तो आप नहीं कर सकेंगे। अब देखें, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इंडस्ट्री लाइक केमिकल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आयरन है, स्टील है, टेक्सटाइल है, शुगर है, पेपर बोर्ड है या और एंड पेपर इस ह्यूज पाकिस्तान इंडस्ट्री डेवलपमेंट PIDC एंड पाकिस्तान इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड कॉरपोरेशन। अब मसला ये होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ पे कुछ उन्होंने बताया है कि कुछ कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है, और उसके लिए पाकिस्तान इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है PIDC एंड पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड क्रेडिट कॉरपोरेशन है PICC, ठीक है, ये अभी एक उसमें कन्वर्ट हो चुका है बैंक में, PICC बैंक में कन्वर्ट हो चुका है अभी। ये तकरीबन 60s में ये इदारे बने थे, ठीक है, अयूब खान के दौर में, और इनका जो मेन मकसद था वो यही था कि जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं और जिनका पूरा होमवर्क है उनको कैपिटल प्रोवाइड किया जाए। अगर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो उससे ये होता है कि अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है, यानी 70-80% कैपिटल है और कम है या 50% कम है, तो उसको पूरा करें ताकि वो लोग इंडस्ट्री को वो ऑन बोर्ड ले सके, काम कर सके उसके ऊपर, ठीक है।
तो ये कुछ इदारे पाकिस्तान ने बनाए थे, उस पर मजीद मैं बात करूंगा. पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नॉट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज. ठीक है, तो ये कुछ इदारे ऐसे हैं कि कुछ वो प्रोवाइड करते हैं. आगे चलते हैं, ये पिकिक पीआईडीसी और पिकिक इस तरह के इदारे हैं जो अगर कैपिटल में कमी होती है तो ये उसकी हेल्प आउट करते हैं. अगर ये काम सही कर रहे हैं तो, अगर आज ये काम सही कर रहे होते तो इंडस्ट्रीज लग रही होती, या ये इदारे खुद फाइनेंशियली तौर पे बहुत वीक हो चुके होंगे. अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान के इदारों के पास अगर पैसा नहीं होगा जैसे आज की सूरत हाल है, तो किस तरह से ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे. ठीक है ना, जैसे आजकल पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर डाउन है तो किस तरह से इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इस तरह के इदारे जो है वो अपना पैसा जो है वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. मगर प्रॉब्लम यही आती है कि जब हकूमती सतह पे हमारे फाइनेंशियल इदारे, हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक होंगे तो वो ज़ाहिर है कि उसको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे. तो ये तो आपके सामने सूरत हाल है. आप क्या समझते हैं, मुझे बताएं कि आजकल पाकिस्तान के पास इतना सरप्लस मनी है कि वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर लोन दे सके अपना, नहीं ना? हेलो, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है? जी, और ये लोन के तौर पे हेल्प नहीं है, उन्होंने खुद ही लोन लिया हुआ है. हाँ, अभी मसला ये हो रहा है कि हमारी कुछ अरसे से जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो खुद ही इतने लोन बाहर से ले लेती हैं और अपने मामला चलाने के लिए मजीद लोन लेने होते हैं उनको. लोन की जो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए मजीद लोन लेने हैं उनको, उस पर जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट जो सूद होता है और वो पे करने के लिए मजीद उनको लोन लेना पड़ता है. तो ये सूरत हाल है. तो अगर आपके ये इस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपने बनाए हुए हैं, ये 60s में अयूब खान के दौर में ज़्यादातर बने थे. ठीक है, इनकी अगर आप हिस्ट्री लें तो ये आपकी इंडस्ट्री को लोन देते हैं, हेल्प करते हैं कैपिटल में. मगर अगर आपके पास खुद पैसा नहीं है तो ये एक बड़ी सूरत हाल जो है बड़ी ख़तरनाक है. तो पहले पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिकली हालत को बेहतर करना होगा और इस लेवल पर लेके जाएंगे कि हम अपनी इंडस्ट्री को कैपिटल प्रोवाइड कर सके. ठीक है ना, इंडस्ट्री जब वीक होती है तो उसको सहारा चाहिए होता है. तो इस पर हम बाद में बात कर लेते हैं. ठीक है, बड़ी फिक्र गेज बातें हैं ये सारी. तो ये प्रॉब्लम्स है जी पाकिस्तान की कि कैपिटल की शॉर्टेज है. ठीक है, कैपिटल नहीं है. तो आगे चलते हैं. अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, एनर्जी क्राइसिस है. लोड शेडिंग हैज रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री. अच्छा, मुझे बताया कि लोड शेडिंग की सूरतयाल भी काफी अरसे से चल रही है, कोई 10-15 साल से ज्यादा सूरतयाल खराब है. उसकी वजह क्या है? और ये जाहिर है कि आपके जहां पे डोमेस्टिक यूज है वहां पे शॉर्टेज है, जहां पे इंडस्ट्री में का यूज है वहां भी तो डिस्टर्ब होता होगा ना. आपके बिजनेस में, आपकी इंडस्ट्री में भी तो प्रॉब्लम होती होगी ना, और आपकी कॉस्ट बढ़ती है. देखिए, आप अगर नॉर्मल बिजली आपकी चली जाती है और अगर आप जनरेटर के थ्रू अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, जनरेटर के थ्रू यूज करते हैं तो क्या होता है? अगर आप जनरेटर के थ्रू अपनी मशीन्स को चलाते हैं तो क्या होता है, इससे कोई फर्क पड़ता है? जी स्टूडेंट. सर, कॉस्ट ज्यादा लगती है. आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है ना, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है. अगर आप जनरेटर यूज करते हैं या यूपीएस यूज करते हैं या आप इस तरह की कोई चीजें गैस यूज करते हैं, उसके अलावा गैस से आप खुद प्रोड्यूस करते हैं या पेट्रोल से या डीजल मशीनों से या जनरेटर से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, या और इस तरह के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज करते हैं, बैटरीज यूज करते हैं, तो इससे आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ती है. अच्छा, एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. ऐसा ही होगा ना, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी. अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है तो आप अगर मार्केट में एक अपनी यूनिट को 10 रुपए में सेल कर रहे हैं तो 10 रुपए में सेल नहीं कर सकेंगे. अगर आप 10 रुपए में उसको सेल कर रहे हैं होलसेल पे और वो 12 की
वहां पे आम कंज्यूमर को मिल रही है, तो आप उसको हो सकता है कि फिर 12 टू 13 या 15 पीस की सेल करें और अब आगे वो मजीद, तो इस तरह से महंगाई में भी इजाफा होता है, ठीक है ना। तो हमें फिर सस्ती बिजली चाहिए, हमें सस्ती पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि मामला को आपकी जो प्रोडक्शन जो है वो चीप होगी, ठीक है ना, सस्ती प्रोडक्शन होगी और उसमें कोई प्रोडक्शन में कोई तातुल भी नहीं आएगा, ब्रेकडाउन भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा देखे ना, अगर आपकी 2-3 घंटे लाइट चली जाती है और आपकी मशीनें बंद हो जाती हैं, लेबर आपकी बैठ जाती है, तो वो जो 2-3 घंटे की प्रोडक्शन होगी वो कैसे पूरी करेंगे आप? वो आप आफ्टर द 5 o'clock जब उसकी लेबर के जाने का टाइम होता है उसको ओवर टाइम लगवाएंगे। उसको ओवर टाइम लगवाते हैं तो वो क्या होता है, आपकी कॉस्ट बढ़ती है। अगर आप लेबर का स्टेक टाइम वेस्ट होता है आपकी प्रोडक्शन की, जरा आपको शिपमेंट करनी है ना, टाइम पे शिपमेंट करनी होती है, सामान आपको टाइम पे देना होता है, तो अगर आपका वो लेट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी क्राइसिस, तो आपकी लेबर भी लेट बैठेगी। जब लेबर लेट बैठेगी तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे चार्ज करेगी। अगर वो 5 बजे के बाद या शिफ्ट के बाद आपको काम करवाएंगे लेबर से, तो वो क्या होगा, ओवर टाइम में काम कराएंगे ना, ओवर टाइम में पैसे डबल देने पड़ते हैं। तो देखिए इससे क्या होता है कि कॉस्ट में फर्क आता है। जब कॉस्ट में फर्क आता है तो आपकी जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो फिर सेल नहीं हो पाती है, सही है, उसकी सेल में फर्क आता है। सेल में फर्क आएगा तो प्रॉफिट में फर्क आता है, आप लॉस की तरफ जाते हैं। ये चीजें हैं जी आपकी, सही है जी। तो लोड शेडिंग हैज रिजल्टेड इन द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री, दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड दस द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज नॉट टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो ये मोरेवर ये चीजें वही लिखी है जो मैंने बात की, मोरेवर देयर हैज नॉट बीन एनी लॉन्ग टर्म एनर्जी पॉलिसी इन द कंट्री ड्यू टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, द शॉर्ट टर्म मेजर देयर हैव बीन नॉट लेड टू एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसकी रीजन क्या है, ये एनर्जी क्राइसिस की रीजन क्या है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? जी हेलो, अमित सर जी। अच्छा मुझे बताएं आप इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास 10-15 साल से जो एनर्जी क्राइसिस आया है उसकी रीजन क्या है? आपने देखें, आप ये कह सकते हैं कि हमने डैम नहीं बनाए। देखें जैसे जैसे पाकिस्तान की आबादी बढ़ी और बिजनेस ग्रोथ हुई, इंडस्ट्री बढ़ी, उस तरह से हमें बिजली भी ज़्यादा चाहिए थी। जब बिजली ज़्यादा चाहिए थी, एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी, तो हमने अपने डैम नहीं बनाए, हमने पावर हाउस नहीं बनाए, ठीक है ना। जब डैम नहीं बनाएंगे तो इस तरह से हमें क्या होगा, अगर हम डिफरेंट वे से बिजली लेते हैं जैसे गैस से या मशीनों से और से, तो वो महंगी पड़ती है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि सस्ती जो नेचुरल वेज है, जैसे आपके पास पाकिस्तान में हवा जो है उसका माशाल्लाह बहुत अच्छी हवाएं हैं, तो उससे विंड एनर्जी से भी बना सकते हैं, ठीक है। विंड एनर्जी है या आपकी जो पानी से जो बिजली बनती है, ठीक है ना, डैम के थ्रू, उसके थ्रू आप बिजली आपको बहुत सस्ती पड़ती है। तो जो ये तरीके हैं नेचुरल तरीके हैं, आप उस तरीके से बिजली बनाएंगे तो आपको सस्ती पड़ेंगे, सही है। तो सस्ती पड़ेंगी तो आप इंडस्ट्री को सस्ती देंगे, इंडस्ट्री को सस्ती मिलेगी तो इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगी वो कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का होगी तो मार्केट में जो प्रोडक्ट होगी वो जो है वो कम प्राइस पे सेल होगी। कम प्राइस पे जब सेल होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट, उसकी सेल ज्यादा होगी, उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरह की सूरत है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है जी, साइज ऑफ द मार्केट। द साइज ऑफ द मार्केट इन पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल, मार्केट कम है,